अभी जो नए नए बच्चे जो रनिंग स्टार्ट किए हैं और जो जो अभी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उनको नी पेन का शिकायत बहुत हो रहा है, क्योंकि उनको प्रॉपर वे नहीं पता है कैसे प्रैक्टिस करें, प्रॉपर फुट प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर रनिंग फॉर्म नहीं आ रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं और ऐसे ऐसे बता देते रहे, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नी पेन से छुटकारा कैसे मिलेगा। अगर आपको दवाई मेडिसिन नहीं खाना है, आपको लगता है मेडिसिन खाने से हमारे शरीर में कुछ हानि होगा, तो हम एक आपको आयुर्वेदिक दवाई बताएंगे, उसको कैसे खाना है उसको खाइए, आपको पूरा तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नी पेन होने का कारण क्या है? नी पेन होने का कारण ये है कि आपका थाई मसल कमज़ोर है, आपका जो एक्लिस टेंडन है वो कमज़ोर है, और आपका जो हैमस्ट्रिंग रहता है वो हमेशा टाइट रहता है, वो लूज़ नहीं रह पाता है, क्योंकि आप प्रॉपर कूल डाउन और प्रॉपर वार्म अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर आपको मेडिसिन नहीं खाना है, आपको आयुर्वेदिक इलाज से ठीक करना है, तो एक दवा है गोंसिया, उसको आप ले सकते हैं 1 to 2 ग्राम घी में नहीं तो मलाई में मिलाकर आप चाट चाट के खाइए, और उसके बाद पानी नहीं तो दूध पी जाइए, ठीक है। आपको इलाज 2 टाइम खाना है, 1 टाइम जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तब खाना है, उसके बाद जब आप आएंगे प्रैक्टिस करके उसके बाद रात को खाइएगा, ठीक है। तो इसमें आप 1 से 2 दिन के अंदर नहीं तो 3 से 4 दिन के अंदर पूरा ठीक कर देगा, ठीक है। इसमें आपको कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये पूरा आयुर्वेदिक दवा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो का मेरा यही मोटिव था कि आप उतना डरिए मत, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बाय।